नमस्कार, मैं हूं इंजीनियर। आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज। एनएमटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। तेज गली चौराहे पर शनिवार को बेकाबू ट्रक ने दो हेड कांस्टेबल को कुचल दिया। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई, दूसरे की हालत चिंताजनक बनी हुई है। सहारनपुर निवासी दोनों हेड कांस्टेबल पुलिस लाइन में रहते थे। मौत की खबर घर पहुंची तो हेड कांस्टेबल शीशपाल के घर उनके भतीजे की शादी की खुशियां मातम में बदल गई। सहारनपुर के रामपुर मनिहाराम थाना क्षेत्र के सोना अर्जुनपुर गांव निवासी हेड कांस्टेबल आनंद और नकुड़ थाना क्षेत्र के तीरपड़ी गांव निवासी हेड कांस्टेबल शीशपाल पुलिस लाइन में तैनात है। शनिवार को बाइक पर सवार होकर शीशपाल और आनंद सीओ ब्रह्मपुरी के ऑफिस से कागजात लेने के लिए गए थे। वहां से पुलिस लाइन वापस लौट रहे थे। तेजगढ़ी चौराहे पर लाल बत्ती होने की वजह से आनंद ने बाइक को रोक दिया। तभी पीछे से आ रहे नगर निगम के बेकाबू ट्रक ने दोनों पुलिस कर्मियों की खड़ी बाइक में टक्कर मार दी। दोनों को कुचलता हुआ ट्रक आगे बढ़ गया। ट्रक के नीचे आने से शीशपाल के पेट में ट्रक के नीचे से लोहे की नुकीली रॉड घुस गई, जबकि आनंद को भी ट्रक कुचलता हुआ आगे निकल गया। हादसे के दौरान तेजगढ़ी चौकी से पुलिस मौके पर पहुंची। तभी दोनों पुलिस कर्मियों को बीच सड़क से उठाकर पुलिस जीप में डाला गया। वहां से दोनों को आनंद अस्पताल में ले जाया गया, जहां सर्जरी के दौरान शीशपाल की मौत हो गई, जबकि आनंद की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों ही पुलिस कर्मियों के परिवार को सूचना दे दी गई है। परिवार के लोग सहारनपुर से मेरठ के लिए रवाना हो चुके हैं। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि दोनों पुलिसकर्मी हादसे के दौरान ड्यूटी पर थे। पुलिस ने नगर निगम के बेकाबू ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिसकर्मियों के स्वजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। इंडिया फर्स्ट डिजिटल टीवी मीडिया नवी मुंबई टाइम्स न्यूज। ताज़ा तरीन देश विदेश की खबरों को देखने के लिए YouTube पर सर्च करें NMT न्यूज। NMT न्यूज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन और पाएं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, नवी मुंबई, ठाणे की ताज़ा तरीन खबरें सिर्फ नवी मुंबई टाइम्स न्यूज पर।